बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव ने मौसम को इस कदर बदला कि पूरा प्रदेश बारिश से तरबतर हो गया। मंगलवार की सुबह जबलपुर सहित पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश हुई और दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। वहीं कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई, जिससे फसलों को नुकसान होने की आशंका है। रुक रुक कर हुई बारिश का आंकड़ा करीब 1.8 किलोमीटर रहा। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते दो दिन झमझमाझम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद सप्ताह के अंत में तापमान में एक बार फिर बदलाव हो सकता है, जिससे बादल छटेंगे और बारिश का सिलसिला रुक सकता है। हालांकि इन दो दिनों में प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र के कारण बंगाल की खाड़ी से नमी सप्लाई हो रही है, जिसके कारण मौसम में अचानक परिवर्तन आया है और आज सुबह जबलपुर में सुबह 1.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है और आगामी दो दिन मतलब आज 16 तारीख और 17 तारीख दो दिन इसका प्रभाव रहेगा और हल्की वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा और कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना रहेगी, जिसके कारण जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक है। आज सुबह 15.6 रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है, लेकिन दिन का तापमान थोड़ा सामान्य से कम रहेगा। 17 तारीख के बाद फिर 18 तारीख से तापमान में गिरावट आने की संभावना है। प्रभारी अधिकारी बिजू जॉन जेकब, मौसम कार्यालय जबलपुर। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।